सिक्स कैटेगरी थी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में था कि इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स old plants bracket में लिखिएगा like stems, roots and leaves, like stems, roots and leaves, like stems, roots and leaves, comma without the help of any reproductive organs, without the help of any reproductive organs, without the help of any reproductive organs. इसके बाद next note करें, the green grass in the fields, the green grass grows in the fields. Green grass grows in the fields. The green grass grows in the fields after rains. After rains, from the dry old stems, from the dry old stems of grass plants present in the fields, dry old stems of grass plants present, grass plants present in the fields, present in the fields, by the method of vegetative propagation, by the method of vegetative, by the method of vegetative propagation. By the method of vegetative propagation. Example, next point पे लिखेंगे example. Bryophyllum plants can be reproduced. Bryophyllum plants can be reproduced. Bryophyllum plants can be reproduced by vegetative propagation. Reproduced by vegetative propagation. Bryophyllum plants can be reproduced by vegetative propagation by using either a piece of its stem, by using either
अ पीस ऑफ इट्स स्टेम बाई यूजिंग आइदर अ पीस ऑफ इट्स स्टेम और इट्स लीव्स और इट्स लीव्स और इट्स लीव्स द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट The leaves of bryophyllum plant have special type of buds in their margins. Have special type of buds special type of buds in their margins which get detached from the leaves which get detached from the leaves, fall to the ground, and then grow to produce new bryophyllum plants, and then grow to produce new bryophyllum plants. प्लांटलेट्स बोल देते हैं और दो एग्जांपल और हैं, एक मनी प्लांट और एक पोटैटो. नोट करें, मनी प्लांट कैन आल्सो बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन. मनी प्लांट कैन आल्सो बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आल्सो बी
grown. Money plant can also be grown by vegetative propagation by using a piece of its stem Money plant can also be grown by vegetative propagation by using a piece of its stem. ये जो मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट ऐसा होता है कि मतलब उसकी ना लंबी सी जो ये जैसे प्लांटलेट्स है, ऐसी लंबी लंबी प्लांटलेट्स होती हैं उसकी, ठीक। और वो जो है वो ग्रो करता जाता है और उसका कोई बहुत हार्ड जो है स्टेम नहीं होता। वो क्या होता है, वो ऐसे ना लटका रहता है। तो उसको अगर हम किसी चीज़ के ऊपर लगा देते हैं तो वो उस चीज़ के ऊपर लिपटना शुरू कर देता है। तो उसमें से अगर आपने कोई छोटा सा टुकड़ा, उसका जो स्टेम है उसका छोटा सा टुकड़ा आपने काटा और काट के कहीं पर भी आप मिट्टी में लगा दें तो वो मनी प्लांट इस तरीके से ग्रो करने लगता है। इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमने ब्रायोफाइलम लीव का एग्जांपल लिया, तो इसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स पर, स्टेम पर, रूट्स पर, अलग अलग पार्ट्स पर, कहीं पर भी छोटे छोटे स्पेशल टाइप के बड्स डेवलप होने लगते हैं। और वो जो बड्स होते हैं उन बड्स में से छोटी छोटी प्लांटलेट्स निकलने लगती हैं। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, या तो ये प्लांटलेट्स खुद ही टूट कर साइड की मिट्टी पर गिर जाती हैं, ठीक है। और अगर नहीं गिरती तो आप इनको हटा कर खुद भी लगा सकते हैं और फिर उस मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट कर दीजिए, थोड़ा गीला कर दीजिए, तो वहाँ पर अपने आप ही प्लांट जो है दूसरा प्लांट उगने लगेगा ब्रायोफाइलम का ही, ठीक है। तो एक तो मनी प्लांट हो गया इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है पोटैटो ट्यूबर। कभी घर में जैसे आलू आते हैं तो आलू, कोई एक आलू को अलग निकाल कर रख लो आप ऐसे, ठीक। तो थोड़े दिनों में मतलब जब वो पुराना होने लगता है आलू, तो उसमें क्या होता है, उस पर छोटे छोटे ना बड्स डेवलप होने लगते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं पोटैटो ट्यूबर। अगर उसको भी ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए तो और आलू उससे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। आलू किसी पेड़ पर लगता है, कहाँ लगता है, ज़मीन के नीचे, ठीक है। तो नोट करें यहाँ पर, potato tuber can be used for the vegetative reproduction of potato plants. Potato tuber can be used for the vegetative potato tuber can be used for the vegetative reproduction of potato plants. Old potato tuber planted in soil. A new potato plant, growing from bud,
ये है सॉइल, ये सॉइल है, यहां पर लिख दीजिएगा अनदर न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड, अनदर न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड, एक दूसरे बढ़ने से भी दूसरा प्लांट निकलना शुरू हो गया। तो ये पोटैटो का एग्जांपल हो गया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हो गए छह। अब इसके बाद आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो वो नोट करेंगे। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, ही आर्टिफिशियली मतलब हम खुद से अगर करना चाहें तो किस तरीके से हम एक प्लांट से दूसरा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। अच्छा तभी बताऊंगा जो तुमने भेजा था ना क्वेश्चन, अभी बताऊंगा। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स में नोट करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स many plants from one plant by man-made methods is called by man-made methods the process of growing many plants from one plant by man-made methods is called artificial propagation of plants is called artificial propagation of plants is called artificial propagation of plants. The three common methods of artificial propagation of plants are the three common methods or artificial propagation of plants the three common methods for artificial propagation of plants are cutting, layering, grafting. First hai कटिंग, सेकंड है लेयरिंग और थर्ड है ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। अब फर्स्ट है कटिंग। फर्स्ट है कटिंग, इसमें नोट करें अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव्ड
a small part of a plant which is removed, a small part of a plant which is removed by making a cut with a sharp knife, which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. Is called cutting. Full stop. A cutting may be a piece of stem, root, or even a leaf. A cutting may be a piece of stem, comma, root, or even a leaf. Example लिखेंगे the plants like rose bougainvillea, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा BOUGAIN bougainvillea BILLEA grapes, sugarcane, bananas, cactus. Grapes, sugarcane, bananas, cactus, etc. can be grown by means of cutting. तो यहां पर आप ऐसा लिखाएंगे ये कोई प्लांट था, ये सॉइल है, इसको यहां से आपने काट दिया कटिंग, काटने के बाद जो कटा हुआ हिस्सा था उसको यहां लगा दिया, कटेड पोर्शन प्लांटेड हियर और ये जो कटिंग हमने करी इसमें कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इस पर भी प्लांट जो है वो अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाए, ठीक है. द पोर्शन या द प्लांट विच वॉज कट अगेन डेवलप्स. जिस प्लांट को कट दिया गया था वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है और जो ओरिजिनल प्लांट था उसमें से जो कटेड पोर्शन था कटेड पोर्शन को यहां पर प्लांट करा तो ये भी एक नए प्लांट के तौर पर ग्रो करना शुरू कर जाता है, ठीक है. तो ये पहला मेथड हो गया कटिंग वाला. दूसरा मेथड है लेयरिंग का.
तो जो भी मेथड करें ना उसके साथ में उसका एग्जांपल जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ कर वो पूछ लेते हैं कि जो बनाना है वो किस तरीके से ग्रो करता है, या रोज़ प्लांट है वो किस तरीके से ग्रो करता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपके घर में दो गमले रखे हुए हैं, एक गमले में अगर रोज़ का प्लांट लगा हुआ है तो उसको आप काट कर बीच में से उसको काट कर और उसको उखाड़ कर किसी दूसरे सूखे गमले में लगाकर और उसमें आप वाटरिंग वगैरह करेंगे तो वो जो ओरिजिनल प्लांट था रोज़ का वो भी डेवलप करेगा और जो नया प्लांट है वो भी डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये काम आप खुद करके देख सकते हैं। चलिए, कटिंग के बाद सेकंड लिखेंगे लेयरिंग। लेयरिंग में लिखिएगा, अरे ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है भाई, शांत बैठे हैं सभी। अर्णव, विशिता, मोदित, न्यासा, उदय, यस सर, ठीक है। चलिए ओके, अगला मेथड नोट करें लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड pulled towards the ground and a part of it is pulled towards the ground towards the ground and a part of it is covered with moist soil covered with moist soil and a part of it is covered with moist soil leaving the tip of the branch exposed above the ground exposed above the ground. After some time, new roots develop from the part. And then it grows as a new plant. Then it grows as a new plant. And then it grows as a new plant. Example है jasmine plant. Strawberry,
रेस्पबेरी, लेमन, गुआवा एक्सेट्रा, लेमन, गुआवा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये देखिएगा कि जैसे कोई प्लांट है उसकी फ्लेक्सिबल जो स्टेम्स हैं तो बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, उनमें से एक ब्रांच को आपने खींचा और खींचने के बाद साइड की थोड़ी सी मिट्टी को आपने गड्ढा बना दिया उसमें, और उसके अंदर आपने उसकी जो ब्रांच है, लंबी ब्रांच है, उसकी ब्रांच को आपने दबा दिया, और दबाने के बाद उसका जो टिप है, जिस ब्रांच को आपने खींच कर दबाया है उसका जो टिप है उसको थोड़ा सा ज़मीन से बाहर निकाल कर छोड़ दिया और फिर उसको मिट्टी में दबा दिया, ठीक है। तो तब क्या होता है कि जो हिस्सा आपने नीचे दबाया है उसमें नई रूट्स निकलने लगती है और फिर वो भी अपने आप में एक नए पौधे की तरह डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसा जैस्मिन में, स्ट्रॉबेरी में, रेस्पबेरी में, लेमन में, गुआवा में ये करा जाता है। ये अपने आप ना भी हो वो हम खुद से कर सकते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड तो हम कर सकते हैं। इसमें एक डायग्राम बना लें, ये मैं डालूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, इधर है ब्रांच, जो इधर वाली सबसे नीचे वाली ब्रांच है जैसे ये है, इधर वाली ब्रांच है इसको आपने खींच कर क्या करा, यहाँ से आपने खींचा, खींच कर इसको ऐसे मिट्टी में दबा दिया और थोड़ा सा इसका टॉप पोर्शन जो है वो ऊपर निकाल दिया आपने, ये ब्रांच थोड़ी सी लंबी थी तो आपने क्या करा, सॉइल में यहाँ पर दबा दिया। अब जब आपने खींचा तो इस पर छोटी छोटी लीव्स लगी हुई थी, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से रूट्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आफ्टर सम टाइम After some time, roots start growing. Roots start growing from the. After some time, roots start growing from the. Buried portion of the plant. बड़ी पोर्शन ऑफ द प्लांट। इसका एग्जांपल हमने देख लिया, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी या फिर आपका लेमन, गुआवा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद एक पोर्शन इसमें बचता है ग्राफ्टिंग, और उसके बाद इसमें बचता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। इसके बाद हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, एनिमल्स में, और फिर हमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई और उनके
जो प्रिवेंशन के मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना कर लीजिए साइंस में, और इसके अलावा जो तुम्हारा डाउट था अक्षत वो देखता हूँ। एक साइंस का डाउट भेजा था, जरा देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, ये मिटा रहा हूँ उधर से। एक क्वेश्चन नोट करेंगे, थ्री वर्ब्स ईच हैविंग पावर पी, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। थ्री बल्ब्स ईच हैविंग पावर पी आर कनेक्टेड इन सीरीज, ईच हैविंग पावर पी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद connected in series in an electric circuit, in an electric circuit, full stop. In another circuit, another set of three bulbs another set of three bulbs of same power, are connected in parallel to the same source, First time will the bulbs in both the circuits glow with the same brightness? Circuit get fused. Now let one bulb in each circuit gets fused. Will the rest of the bulbs continue to glow in each circuit? Will the rest of the bulbs continue to glow in each circuit? Question mark, give reason. Third hai, representing each bulb by a resistor, draw circuit diagram for each case. draw circuit diagram for each case
देखिए इसमें क्या करना है, इन्होंने बोला थ्री बल्ब्स ईच हैविंग पावर पी आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो तीन बल्ब्स हैं तीनों की पावर सेम है, पावर पी है, और उसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाता है लेकिन सीरीज में। तो हम ये कहते हैं ये जो थर्ड पोर्शन है ना, रिप्रेजेंटिंग ईच बल्ब बाई अ रेसिस्टर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर ईच केस। तो जब तीनों की पावर सेम है तो इसका मतलब तीनों का रेसिस्टेंस भी सेम होगा, समझ गए। अगर तीनों की पावर सेम है तो P इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो अगर पावर सेम है तो तीनों का रेसिस्टेंस भी सेम होगा। तो हम थर्ड पार्ट सबसे पहले कर रहे हैं यहाँ पर, they are connected in series। ये पहला वाला जो केस है ये है सीरीज वाला केस। सीरीज में जब ये रहेंगे तो मैंने माना कि एक मैंने वोल्टेज लगा दिया यहाँ पर V, ठीक है। वोल्टेज अगर मैंने V लगा दिया, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ करंट I है, तो बेटा तीनों में करंट I जाएगा। तीनों में करंट I जाएगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिफर्स, वोल्टेज डिफर करती है यहाँ पर। तो अब इन्होंने बोला कि तीनों की पावर सेम है, तीनों की पावर सेम है, तो इसकी पावर भी पी है, इसकी पावर भी पी है, इसकी पावर भी पी है, ठीक है। तीनों की पावर सेम है, ये इन्होंने बोला है, ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन का मतलब तीनों में करंट सेम जाएगा। इन सीरीज करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिवाइड्स, ऐसा होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि तीनों में ही करंट आई जा रहा है, तो मेरे पास पी है, पी हमारा सेम है, आई हमारा सेम है तीनों में। तो यहाँ से अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूँ आर, तो वो क्या हो जाएगा, पी अपॉन आई स्क्वायर। रेजिस्टेंस सेम होगा, इसका भी रेजिस्टेंस पी अपॉन आई स्क्वायर, इसका भी रेजिस्टेंस पी अपॉन आई स्क्वायर, इसका भी रेजिस्टेंस पी अपॉन आई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तीनों का जो हमारा, इसको आर बोल दीजिए, इसके भी रेजिस्टेंस को आर बोल दीजिए और इसके रेजिस्टेंस को भी आर बोल दीजिए। तो आर इज इक्वल टू पी अपॉन आई स्क्वायर, क्योंकि दे रखा है कि तीनों बल्ब्स की पावर पी है, ईच पी, ईच हैविंग पावर पी, और तीनों ही बल्ब में करंट सेम जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो हमारा सीरीज में सेम रहता है। अच्छा, अब इसको तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करो। डिवाइड हो जाएगा, तो इस बार मैं करंट यूज करूंगा ही, ठीक है। मुझे पता है तीनों की पावर सेम है, इसकी पावर भी पी है, इसकी पावर भी पी है और इसकी पावर भी पी है, ठीक है। तो अब मैं क्या यूज करूंगा, अब मैं ये वाला यूज करूंगा, अपनी जैसे वी स्क्वायर अपॉन आर वाला यूज कर देंगे। तो वी तीनों में सेम है, पी तीनों में सेम है, तो आर यहां पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। तो यहां पर आप आर को बोलेंगे, ये इसमें भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी आर और ये भी आर। तो इस केस में R को आप बोल देंगे वी स्क्वायर अपॉन पी। हालांकि हमसे पूछा नहीं गया कि आप ये रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा रिप्रेजेंटिंग ईच बल्ब बाय अ रेसिस्टर। तो जब हर एक बल्ब की पावर रेटिंग सेम है तो हर एक बल्ब का रेसिस्टेंस भी सेम होगा। रेसिस्टेंस का मतलब कितना करंट वो कंज्यूम कर रहा है, करंट में कितना ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, तो वो सेम होगा। हमसे पूछा नहीं गया लेकिन हमने बता दिया, ठीक है। बताया क्यों है ये अब आप समझना। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, देखते हैं, चलो उल्टा ही चलते हैं। नाउ लेट वन बल्ब इन ईच सर्किट गेट्स फ्यूज्ड, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट। ये बता दो, ऐसी सीरीज में तो ग्लो नहीं करेंगे, पैरेलल में ग्लो करेंगे, ठीक है। क्योंकि सीरीज में क्या है कि एक सिंगल वायर से तीनों के तीनों बल्ब्स कनेक्टेड है, तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया यानी कि कनेक्शन बीच में से कट गया तो करंट आगे तक पहुँच ही नहीं पाएगा, समझ गए। तो सीरीज में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी के बल्ब भी ग्लो नहीं करेंगे,
फ्रीक्वेंसी इज इफ वन बल्ब इन सीरीज इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड देन अदर बल्ब्स विल ऑल्सो नॉट ग्लो बिकॉज ऑल द बल्ब्स इन सीरीज आर जॉइंड बाई अ सिंगल वायर आर जॉइंड बाई अ सिंगल वायर उसके बाद अच्छा पैरेलल में सोचो पैरेलल में मान लो ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसका कनेक्शन छूट गया तो ये वाले वायर के तो करंट जाएगा ये करंट इसमें और इसमें जाएगा समझ रहे हैं तो क्या होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम ये कहेंगे इन पैरेलल इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड देन अदर बल्ब्स कंटिन्यू टू ग्लो बिकॉज ईच बल्ब बाय अ सेपरेट वायर तो एक वायर कट भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी के दोनों बल्ब ग्लो करते रहेंगे अब आ जाइए फर्स्ट पर फर्स्ट का बता दो हाँ जी सर अगर एक वायर कट गई इसमें पैरेलल में हाँ। तो जो उसमें करंट जा रहा था वो हट गया बिल्कुल तो बाकी जो दूसरे बल्ब में करंट पड़ जाएगा उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी नहीं पड़ेगी मैं बताता हूँ क्यों क्योंकि ये जो इंटेंसिटी है ना इंटेंसिटी का मतलब ये जो पहला पार्ट है मैं इसीलिए मैंने ये पहला पार्ट सबसे लास्ट में बताना चाहता था तो क्या है कि विल द बल्ब्स इन बोथ द सर्किट्स ग्रो विद द सेम ब्राइटनेस तो होगा क्या कि जो ये ब्राइटनेस है ना ब्राइटनेस करंट से लेना देना नहीं है वोल्टेज से लेना देना अगर वोल्टेज सेम है अगर वोल्टेज सेम है तो वो ब्राइटनेस आपकी सेम रहेगी समझ रहे तो इसी वजह से आप ये देखिएगा कि अगर आप सीरीज़ में आप एक के पीछे एक आप घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप सीरीज़ में एक एक ही वायर से अगर आप दो तीन चीज़ें कनेक्ट करेंगे ना तो क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई हमारा धीरे 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 वोल्टेज कम होने लगती है क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज़ में करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होती है तो इसको वोल्टेज कम मिली इसको और कम मिली इसको और कम मिली तो जो एग्जैक्ट वोल्टेज थी 220 वोल्ट जो घरों में आती है वो 220 वोल्ट सबको नहीं मिलेगी तो वोल्टेज कम होती चली जाएगी तो चीज़ धीरे धीरे डिम होती चली जाएगी ब्राइटनेस कम होगी तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट पार्ट में आप ये कहेंगे विल द बल्ब्स इन बोथ द सर्किट्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस हम ये कहेंगे नो सीरीज में डिफरेंट ब्राइटनेस different brightness because of different brightness because of different voltages ठीक है और parallel में सेम ब्राइटनेस बिकॉज ऑफ सेम वोल्टेज ठीक है तो कभी अगर गांव वगैरह में जाना होता हो तो गांव में कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो लाइट कभी बहुत डिम आने लगती है या कभी बहुत ब्राइट हो जाते हैं जो लाइट है बहुत तेज चलने लगती है तो जो गांव के लोग हैं उनको भी ये वाली सी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से पता है वो कहते हैं हमेशा कभी ये नहीं कहेंगे कि करंट कम हो गया है करंट ज़्यादा हो गया
वो हमेशा ये कहेंगे कि वोल्टेज थोड़ी कम आ रही है इस वजह से ब्राइटनेस उतनी नहीं मिल रही, वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा आ रही है इस वजह से ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा मिल रही है। ठीक, हालांकि ये गुजरे ज़माने की बात हो गई, अब तो सब जगह बराबर ही रहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, पहले होता था ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ चलिए जी, तो साइंस का अभी हॉल्ट लेते हैं बस 2-3 मिनट का, फिर मैथ्स करता हूँ कंटिन्यू।